31 मार्च को हुए चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले में एक ऐसी अप्रिय घटना घट गई जिसे जानकर किसी भी क्रिकेट फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। हुआ यूं कि जब चेन्नई की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और गुजरात टाइटंस की टीम फील्डिंग कर रही थी, तो गुजरात टाइटंस की फील्डिंग के दौरान केन विलियमसन का पैर टूट गया। दरअसल केन विलियमसन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उसी दौरान चेन्नई के एक बल्लेबाज ने एक जोरदार शॉट मारा। वो शॉट ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली जाएगी, लेकिन केन विलियमसन ने छलांग लगाकर उस गेंद को नीचे फेंक दिया और वो गेंद एक टप्पा खाकर फिर से बाउंड्री को टच कर गई और चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रन मिल गए। इस तरह से केन विलियमसन ने छलांग लगाकर अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाए, लेकिन केन को कहां पता था कि ये छलांग उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगी। जब केन विलियमसन ने उड़कर हवा में से गेंद को बाउंड्री के अंडर फेंका, उसी दौरान जब वो नीचे गिरे तो उनके पैर में इतना तगड़ा चोट लग गया कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इस दौरान केन विलियमसन का पैर टूट गया और उन्हें 2 कंधों पर टांग कर ले जाया गया।